भूख लगी? ऑनलाइन महंगा ऑर्डर देके परेशान हो? तो आ जाओ फूड टैंगो पे, जहां से आप मुमरा के सारे रेस्टोरेंट, सारे ढाबे, सबकी फूड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, वो भी औरों से सस्ते प्राइस में। वाओ! सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मिलेंगे फ्री होम डिलीवरी, शॉपिंग कूपन, आपको और आपके फैमिली को वाटर पार्क जाने का मौका और ढेर सारे ऑफर्स। क्या बात है! तो आज ही प्ले स्टोर से फूड टैंगो ऐप डाउनलोड करें, ऑर्डर दे, अपनी टाइम और पैसा दोनों बचाए। ऑर्डर एट फूड टैंगो नाउ। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के कल्याण में वाईफाई राउटर में ब्लास्ट होने से 3 लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें माँ और 3 महीने की मासूम भी आग में झुलस गई है। आपको बता दें कि मुंबई से सटे कल्याण में नई गोविंदवाड़ी में अचानक वाईफाई राउटर में विस्फोट होने के कारण 2 बच्चों और एक महिला सहित 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। इस घटना में नगमा अंसारी नामक महिला गंभीर रूप से झुलस गई है, जिसे नवी मुंबई के नेशनल बर्न हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। तिलक नगर पुलिस के अनुसार आगजनी में जख्मी नगमा अंसारी का 3 महीने का मासूम अरमान अंसारी भी आग की चपेट में आ गया, वहीं 10 वर्षीय नाजमीन शेख भी घायल हुई हैं। दोनों बच्चों को इलाज जो है वो कल्याण के मीरा अस्पताल में किया जा रहा है। इस घटना में डोंबिवली की तिलक नगर पुलिस ने लापरवाही के मामले में राजू महात्रे नामक इंटरनेट ऑपरेटर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। घायल बच्ची नाजमीन शेख की मां के अनुसार घटना के वक्त काफ़ी तेज धमाका हुआ था, जिसके कारण 3 लोग बुरी तरह से जल गए। आग में झुलसी महिला नगमा के पति अतीक अंसारी ने बताया कि वाईफाई इंटरनेट का वायर इलेक्ट्रिक मीटर से सटकर लगाई गई थी, जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि बॉक्स के अंदर से आग की तेज़ लपटें निकल रही थी। अतीक अंसारी ने क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर बताया है, आपको सुनाते हैं। और कितनी देर इसमें घायल है? एक्चुअली सर, मैं घर पर सोया हुआ था और लेडीज़ लोग सब बैठे हुए थे बाहर। जो केबल का वायर आता है जो मीटर के पास, उसका बॉक्स था। एक्चुअली वो वायर ना ब्लास्ट होगा, पूरा एकदम आज के जैसी ब्लास्टिंग हो गई और वायर गिर के नीचे गिर गया। और मेरी वाइफ और छोटी लड़की और मेरा छोटा लड़का था, उसके आंख पे गिर गया तो वो पकड़ दिया। वाइफ को मेरी, एक्चुअली वाइफ मेरी 70% जल चुकी है और बच्चा मेरा 30% जल चुका है। और एक जो छोटी लड़की है वो 50% जल चुकी है। और जो लड़की है उसको मीरा में एडमिट किया हुआ है, और जो मेरी वाइफ है वो 70% जो है उसका, उसको एरोली बंस हॉस्पिटल में एडमिट कर चुके हैं। एक्चुअली यहाँ कोई लिए नहीं उसको, तो उधर ही वो एडमिट है। एक्चुअली ये जो ब्लास्ट हुआ है, ये वायर की वजह से ब्लास्ट हुआ है। जो केबल वायर है ना, उसी का ब्लास्ट है। ये सब बैठे लेते ब्लास्ट, एकदम धुआंधार आवाज आया है, ब्लास्ट है, आग निकली है। एक्चुअली वो वायर है तो वाइफ को भी पकड़ दिया, और छोटे मेरे 3 महीने का लड़का एक्चुअली उसको भी पकड़ लिया है। इसकी वो वायर है, ये केबल की वायर है, वाईफाई की वायर है, और मीटर से कनेक्शन था उसका, वो बॉक्स था मीटर के बाजू में, वो खींच लिया, बाजू से लाइन गई थी, वो खींच लिया उसको, तो ब्लास्ट हो गया पूरा। तो इसमें घायल हो गए, मेरी वाइफ है, एक लड़की है, एक मेरा लड़का है, 3 महीने का लड़का है। सर, आपल्या हद्दीमध्ये ब्लास्ट झालेला आहे, नेमकं काय प्रकरण आहे? टिळक नगर पोलीस ठाणे हद्दीमध्ये न्यू गोविंदवाडी परिसरामध्ये एका ठिकाणी राउटर अचानक पेट घेतल्यामुळं त्याच्यामध्ये जखमी झाले आहेत। 3 महिला जखमी आहेत आणि त्यांच्या तक्रारीवरून आपण एक केबल व्यावसायिक याच्यावर गुन्हा दाखल केलेला आहे। गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे।